दिस इज द प्लेस, देख सकते हो, मतलब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ पहाड़ है और कुछ नहीं दिख रहा है। और मैं इस टाइम हूँ चोली की, हाँ चोली की झोली बोला जाता है शायद इसे, ऊपर चट्टान पे चढ़ना। बहुत अच्छी वाली जर्नी है ये हमारी, अभी तक हम मंदिर नहीं पहुंचे हैं, काफी टाइम लग रहा है एक्चुअली। और वीडियो शूट उधर वाला तो मैं बाद में दिखा दूंगी, ये मेरा छोटा सा व्लॉग है जो चल रहा है। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ही ज्यादा, अगर आप लोग यहाँ आओ तो जरूर आना। मतलब पता नहीं क्या हम लोगों को पहाड़ों से ऐसा प्यार हो गया है, हो जाएंगे तो पहाड़ों पे कहीं एक छोटा सा कॉटेज, हाँ, वहीं सेटल हो जाएंगे। कसम से हम लोग यहीं सेटल हो जाएंगे, सही बता रहे हैं। गन्नू अपना जो करे, क्योंकि हमने अभी तक जितनी ट्रिप लगाई है इत्तेफाक से पूरी पहाड़ों पे लगाई है। अभी अमित के पास गया है, इन दोनों के साथ टेंशन ही रहती, चश्मा खींचता है, मेरा पता नहीं क्यों नहीं निकाल रहा आज, तो मेरे पास रहता है, लेकिन मैं भी उसको ज्यादा देर तक चल नहीं सकती हूँ, पेट में ना खिंचाव लगने लगता है। हाँ जंगल देखो जरा, ओ माय गॉड। तो बाकी जो शूट हो रहा है वो कैमरे से हो रहा है, जो आपको जल्दी वीडियो मिल जाएगा। ये छोटा व्लॉग जो मैं शूट कर रही हूँ मैं अपने फोन से, क्या आप लोगों को ये भी मिलता रहा, ये देखो। और यहाँ पे सारे जंगली जानवर मिलते हैं, हाँ बहुत। और 2 किलोमीटर शायद में पैदल चल रहे हैं, ये देखो। हो हाँ। लोगों की बैलेंस शीट तुमको मैं स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगा, तब मानोगे? हाँ तो बस हम लोग अभी चढ़ाई करके आए हैं, यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर हो रहा है रेस्ट। और ये ये आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, बट ये नहीं, इसके और पीछे मंदिर है। कम से कम आई थिंक 1.5 किलोमीटर तो चल ही आए ना हम लोग, हाँ दूरी ज्यादा नहीं आए हम लोग, चढ़ाई चढ़ाई जो करी है ना, इधर से आगे से रास्ता था, सीढ़ियों से नीचे उतर जाएंगे, बस सीधे नीचे वहाँ पहुँच जाएंगे। अच्छा ये सामने से ही पहुँच जाएंगे। नाश्ता ये हमारी मैगी और ये बंद मक्खन बाबू के लिए, ये देखो आराम से खा रहा है। और अभी राजमा चावल भी हमने ऑर्डर किया है, वो भी आने वाला है। और ये कहीं भी हम लोगों को ले जाने के लिए तैयार है, क्यों मैं अब मूड में आ गया है बंदा। अगर मुझे आपको दिखाना जरूर चाहिए, क्योंकि पहाड़ों पे जो खाना होता है ना बहुत टेस्टी। मैगी भी बड़ी अच्छी से बन गई है, इसके लिए मैंने नॉर्मली बंद मक्खन ही मंगाती हूँ, क्योंकि बंद मक्खन, हाँ ये बहुत बड़ा लहसुन है पहाड़ों, कभी भी बढ़िया होटल रेस्टोरेंट के चक्कर में जितनी छोटी दुकान उतना लहसुन। सबसे मैं आपको दिखाती हूँ हम लोग कहाँ खा रहे हैं ये। और ये अभी भैया हमें राजमा चावल भी देंगे, और बहुत टेस्टी, कल हम लोगों ने जो राजमा चावल खाया था वो भी बहुत अच्छा था, आज वाले भी बहुत अच्छा है। और इसकी आदत है इन दोनों का चश्मा निकालता है, मेरा नहीं निकालता है एक बार भी, इसीलिए आज ही मेरे पास ही रहा है हमेशा। और ये है मेरी कपूर की गोली, इसमें तो हाथ, एक मैं हाथ से निकल गई क्या छोटू, है ना, इसको तो हाथ में बांध दी है कि अपना ये ऐसे सुनते रहेंगे और गाड़ी चलाते रहेंगे। इसको भी थोड़ा थोड़ा सबको जुकाम हल्का हल्का सा फील हो रहा है, लिप शेड बहुत अच्छे से इससे मैच कर रहा है ना, देखो खुश हो तो ये बात तो है। और ये देखो खुश फैमिली ये भी बहुत मस्त रहता है, निकल के इसको देर दुनिया भूल जाता है। कल देखा था मैं, जैसे ही हम होटल में पहुंचे हैं और ये इतना खेला है हम बता नहीं सकते हैं, इसे दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता है, बस मम्मी पापा और सुबह सुबह इसको डैडी चाहिए होते अपने हैं, चाहे कोई भी ले ले। यार मेरे बाल कैसे हो गए उड़े उड़े से, ये भी बोल रहा है अच्छा, क्या अच्छा है, एक मिनट क्या है बेटा, अच्छा है, अंकल से बोलो अच्छा है, अंकल अच्छा है, थैंक यू, इधर रखते हैं पीछे भैया, हाँ ये लो। अरे वाह भैया ने तो बड़े अच्छे से प्याज व्याज डाल के लगाया है, बेहतरीन। 2 प्लेट राजमा चावल, उसके साथ में आलू दिया है ना भैया हमारे ख्याल से, थोड़ा सा रायता, हाँ रायता भी है, गुड। बकरी लगा के रखी है, देख रहे हैं ये, ठीक है ये अपने आप निकाला है। और ये लो, आधे घंटे से हमको यहाँ पे खड़े करके रखे हैं ये, हाँ चाय पियो यार, ये लो अब नहीं फेंकना, रोएगा फिर, देखा बहुत तगड़ा बादल है, बाय बाय कर लो भाई, बाय बाय कर रहे, मेरा बच्चा पोती कर रहा था इसलिए थोड़ा सा वो मम्मा के पास रहता है।
ये मकान कितना सुंदर बना है अमित, है ना? वो अंग्रेजों का टाइम का? नहीं 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 ना मेरा बेटा, ये तो बिल्कुल खंबे पे बना है हवा में, देखो। अच्छा दो तो ये लोग बेच देते हैं और फिर मकान बनाते हैं बस। नहीं जो बीच बेच दिया है ना, अभी वो बनाया नहीं, नीचे उनको भी कमरे करेंगे। अच्छा अभी कमरे काटेंगे उसमें। चलो अब यहाँ से बाय बाय, और अगली जर्नी में आपको बताते हैं कहाँ हम लोग जाने वाले हैं। नक्शे में बीबी भी हमारी उंगली रखने वाली है, जहाँ उंगली पड़ी वहाँ जाएंगे। ओके ओके बाय। यस तो हेलो हाय, और अभी हम जैसे कि आप लोगों ने देखा अभी हम लोग वो मंदिर गए थे, बैठे बैठे हम लोग एक्चुअली में डिसाइड कर रहे थे कि हम कहाँ जाए। पहले ये हुआ कि जिम कार्बेट चलेंगे, बट अभी वहाँ सफारी बंद है, और आज है 4 तारीख आई थिंक होगी, 4 या 5 तारीख है, और 15 तारीख से सफारी चालू हो जाएगी, तो वहाँ पे हमने जाना कैंसिल कर दिया है। तो अभी हमने कहा कि अब हम जाएंगे, ओए बाप रे चढ़ाई, हम जाएंगे देहरादून और मसूरी। तो देहरादून और मसूरी भी हम लोग घूम के आएंगे। क्या हुआ? हाँ कुछ लोग होते हैं ना वो समझ नहीं पाते कि कहाँ पे रोकनी चाहिए, कहीं भी गाड़ी रोक देंगे, तो फिर ऑब्वियसली पहाड़ों पे तो आप कहीं भी गाड़ी नहीं रोक सकते, बहुत सोच के रोकना पड़ता है, और जो अच्छी ड्राइव करता है उसी को ही पहाड़ों पे आना भी चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से दूसरे लोगों को तकलीफ हो सकती है। आप तो अपना स्टंट दिखाने के चक्कर में आ जाओगे, लेकिन दूसरों को भी तकलीफ हो जाती है, तो अगर आपको अच्छी ड्राइविंग आती हो तो ही आप पहाड़ों पे गाड़ी लेके आए। अभी अभी जस्ट मैंने गल्लू को यहाँ पे सुला दिया है, ये देखो। और मेरे काम मतलब ये होता है, गन्नू पीछे रहता है, मेरे पास ही रहता है, आगे नहीं जाता है, ताकि मैं भेजती भी नहीं उनके साथ, क्योंकि इनको भी थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, वॉमिटिंग की हल्की सी दिक्कत है। तो अभी ये शांति में आगे बैठे हैं तो बैठे हैं, लेकिन अगर गन्नू रहता है तो फिर नहीं ये काम कर पाते। तो पूरा एक मई हूँ हुष्ट पुष्ट, जिसे कोई दिक्कत नहीं होती है, तो मुझे आप कैसे भी लेके चले जाओ, खिला के पिला के नहीं खिला के तब भी मुझे कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से चली जाती हूँ। बहुत ठंडी हवा आ रही है, बहुत ठंडी, और लेकिन एक बात तो है, यहाँ से हमें व्यू बहुत अच्छे अच्छे देखने को मिले हैं। तो अगर आप लोग कभी आते हो तो यहाँ ज़रूर आइएगा, बहुत प्यारी जगह है, बहुत अच्छी जगह है। व्यू के मामले में तो आपको इससे अच्छे सुंदर पहाड़ मतलब मेरे को लगता नहीं है, नैनीताल से भी दिखाई देंगे, क्योंकि नैनीताल से बहुत ऊपर हम लोग हैं यहाँ पे इस टाइम पे। ये मैं जब व्लॉग करती हूँ तो आप क्यों आ जाते अपना कैमरा लेके? एक्चुअली मैं आज इनको मैंने वो कैमरा दे दिया है ना, इसी वजह से। ये देखो मैं आपको व्यूज दिखाती हूँ। ठंडी हवा इतनी ज्यादा है कि खुश्की लग रही है, और जो मैं क्रीम वगैरह जो भी कुछ लेके आई हूँ सब सर्दी वाली लेके आई हूँ, ताकि आपके हाथ वगैरह रूखे ना हों। और अगर किसी को लगता है कि सनस्क्रीन की जरूरत नहीं है, तो यहाँ सबसे ज्यादा सनस्क्रीन की जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे जो धूप होती है बहुत ज्यादा प्योर है, और जहाँ धूप है वहाँ आपको इतनी तेज धूप लगेगी, और जहाँ नहीं है वहाँ आपको बहुत ठंड लगेगी, मतलब दोनों तरीके से। जो धूप छन के लग रही है ना वही अच्छी है, अगर शीशा खोल दिया तो बहुत तेज धूप लगने वाली है। मैंने अभी कल का व्लॉग एडिट नहीं किया, सोचो अब मैं कल का व्लॉग एडिट करूंगी तब आप लोगों के लिए दूंगी। और रात में गन्नू की नाक काफी बंद हो रही थी, तो बार बार जगना, ऊपर से काम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बट बच्चे के साथ में आना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि कहीं भी लेके चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अच्छी लगी ट्रिप। और अब हम लोग पहुंच गए भीमताल, जैसा कि आप लोग बेहतरीन है भीमताल, बस नैनीताल सेम ऐसे ही है, सेम ऐसे ही है, नैनीताल की जगह आप लोग देखिए भीमताल। ये बहुत गहरे होते हैं ना? हाँ छोटू अभी बोलो कुछ बोलो। अरे मैं बाबू, मैं मेरा बच्चा, मैं दोनों में ऐसे ही रहती हूँ। बाबू मेरा अभी सो गया था, अभी जगह है तो उसको दूध पिलाने बाबू को अपने, ये ले लो भैया। हाँ और सच में अभी हम लोग भीमताल हैं, और इसके बाद हम लोग जाएंगे मसूरी और देहरादून, उसके पहले हरिद्वार। तो आज इस बार की ट्रिप मेरी बहुत अच्छी है, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत 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 अच्छी है। बैक टू बैक। हाँ तुमको क्या, तुम तो आराम से आके बैठो, मैं देखो मैं पीछे बच्चा संभालती हूँ, सब करती हूँ। माँ
माँ, यही तो है माँ का त्याग। माँ का त्याग, माँ का त्याग व्याग कुछ नहीं है। हाँ, ये तो बस माँ का प्यार, प्यार है मेरा बच्चा। हाँ, मैं जाने में लिए छोटी थी, जाने में लिए नैनीताल जैसा ही भीमताल है, बहुत बहुत अच्छा जगह, साफ पानी। आओ और कभी गुजारो उत्तराखंड में। और वो सामने दिख रहा है भीमताल का बोटिंग एरिया, जहाँ बोटिंग कर सकते हो बोट पे, और जूम करता हूँ। वो घर ना, वो जो भीमताल के ऊपर है, वो घर नहीं, होटल होंगे वो सारे। भाभी का घर यही है ना भीमताल के ऊपर ही। इन्हीं घरों में कोई घर होगा, उनके घर से तो नीचे दिखता है भीमताल। ऊपर नहीं दिखता है, कौन सा गेम खेल रहे हो, कौन सा गेम खेल रहे हो पप्पू? ये छने बहुत देर से आराम से अच्छे लेटा है और चुपचाप, मेरे को टेंशन हो जाती है जब ऐसे चुपचाप ही लेटते हैं तो। क्या कर रहे हो? हाँ, कमर ओढ़ लो, ठंडी है ना। बस ऐसे खेलो, ठीक है? ओके मम्मा, बाय। क्या बेटे का प्यार, तुम मिस कर देते हो, मिस। मैं इसके साथ बहुत मस्त रहता हूँ पीछे, सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है इसके साथ खेलते हुए, और ये ऐसे ही खेलता रहता है मेरे साथ में। ये देखो ला, हाँ ये देखो, गड्डी 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 गड्डी। भैया और कहाँ घुमाओगे हम लोगों को, कितना कुछ घुमा दिया आपने हमें छोटी सी उम्र में। हाँ।